हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बजट इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो अपने लिए ज़्यादा रैम और ज़्यादा स्टोरेज वाला स्मार्टफोन बाय कर सकें। अगर आप लोग भी अपने लिए कोई 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हैं 8000 रुपये से कम के प्राइस में, तो आज के इस वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो बिना देरी करें चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप लोग भी कोई Xiaomi का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 8000 रुपए से कम के प्राइस में, तो थर्ड नंबर पे जिस स्मार्टफोन ने जगह बनाई हुई वो हमारा आता है Xiaomi की तरफ से, Redmi का 9i। इस स्मार्टफोन के प्राइस की अगर बात करी जाए तो 7999 रुपए के प्राइस में आप लोग इस स्मार्टफोन को भी ऑनलाइन मार्केट से बाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस स्मार्टफोन के अगर स्पेसिफिकेशन की बात करी जाए तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को एंड्रॉयड 10Q का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की अगर बात करी जाए तो Redmi के 9i में आप लोगों को MediaTek का Helio G25 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस रेंज को देखते हुए आप लोगों को इस स्मार्टफोन में एक एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। वहीं इस स्मार्टफोन के मल्टीटास्किंग की अगर बात करी जाए तो 8000 रुपए से कम प्राइस में Redmi के इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 4GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। वहीं इस स्मार्टफोन के अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो Redmi के 9i में आप लोगों को 6.53 इंच की एक HD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। वहीं इस स्मार्टफोन के कैमरे सेगमेंट पे अगर नजर डाली जाए तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को बैक में 13 MP का सिंगल रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। साथ ही साथ सेल्फी की अगर बात करी जाए तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 5 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं इस स्मार्टफोन के अगर बैटरी बैकअप की बात करी जाए तो Redmi के 9i में आप लोगों को 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, पर आप लोगों को इस स्मार्टफोन में कोई फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। अगर आप लोग भी 8000 रुपए से कम प्राइस में 4GB रैम के साथ साथ एक अच्छा कैमरा सेटअप वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो सेकंड नंबर पे जिस स्मार्टफोन ने जगह बनाई हुई वो हमारा आता है LG की तरफ से, LG का W31। इस स्मार्टफोन के प्राइस की अगर बात करी जाए तो 7999 रुपए के प्राइस में आप लोग इस स्मार्टफोन को भी ऑनलाइन मार्केट से बाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस स्मार्टफोन के अगर स्पेसिफिकेशन की बात करी जाए तो इस स्मार्टफोन में भी आप लोगों को एंड्रॉयड 10Q का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर पर अगर नजर डाली जाए तो LG के W31 में आप लोगों को MediaTek का Helio P22 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस रेंज को देखते हुए आप लोगों को इस स्मार्टफोन में एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। वहीं इस स्मार्टफोन के मल्टीटास्किंग की अगर बात करी जाए तो 8000 रुपए से कम प्राइस में आप लोगों को इस स्मार्टफोन में भी 4GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। वहीं इस स्मार्टफोन के अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो LG के W31 में आप लोगों को 6.52 इंच की एक HD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इस स्मार्टफोन के अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कैमरे के मामले में यह स्मार्टफोन बेस्ट है अपने प्राइस रेंज को देखते हुए, क्योंकि इस स्मार्टफोन में आप लोगों को बैक में ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। जो मेन हमारा प्राइमरी कैमरा निकल के आता है वो 13 MP का देखने को मिलता है, बाकी के दो कैमरे आप लोगों को 5+2 MP के देखने को मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। साथ ही साथ सेल्फी की अगर बात करी जाए तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं इस स्मार्टफोन के अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो LG के W31 में आप लोगों को 4000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, पर आप लोगों को इस स्मार्टफोन में भी कोई फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। आप लोग भी 8000 रुपए से कम प्राइस में कोई ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हैं 4GB रैम के साथ, तो फर्स्ट नंबर पे जिस स्मार्टफोन ने जगह बनाई हुई वो हमारा आता है माइक्रोमैक्स की तरफ से, माइक्रोमैक्स का IN1B। इस स्मार्टफोन की प्राइस की अगर बात करी जाए तो इस स्मार्टफोन को भी आप लोग 7999 रुपए के प्राइस में ऑनलाइन मार्केट से बाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस स्मार्टफोन के अगर स्पेसिफिकेशन की बात करी जाए तो इस स्मार्टफोन में भी आप लोगों को एंड्रॉयड 10Q का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर पर अगर नजर डाली जाए तो माइक्रोमैक्स के IN1B में आप लोगों को MediaTek का Helio G35 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस रेंज को देखते हुए आप लोगों को इस स्मार्टफोन में एक एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। वहीं इस स्मार्टफोन के मल्टीटास्किंग की अगर बात करी जाए तो 8000 रुपए से कम प्राइस में आप लोगों को इस स्मार्टफोन में भी 4GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। वहीं इस स्मार्टफोन के अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 6.52 इंच की एक HD+ IPS डिस्प्ले देखने
देखने को मिल जाते हैं। वहीं इस स्मार्टफोन के बेजल आप लोगों को काफी कम देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ इस स्मार्टफोन के अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो माइक्रोमैक्स के इन वन बी में आप लोगों को बैक में डुअल रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। जो मेन हमारा प्राइमरी कैमरा निकल के आता है वो 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। बाकी का दूसरा कैमरा आप लोगों को 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है विद एलईडी फ्लैश लाइट के साथ। साथ ही साथ सेल्फी की अगर बात करी जाए तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं इस स्मार्टफोन के अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी के मामले में यह स्मार्टफोन बेस्ट है, क्योंकि इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 5000mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। यूएसबी टाइप सी पोर्ट के साथ आप लोगों को इस स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है।